अब्बा जान, आपने हैरान मुझे हैरात में दिए थे और हैरात में दी हुई चीजें वापस नहीं लेते। ये ऐसे ही गरीब लोग हैं, मांगने के लिए आते हैं मेरे पास। ऐसे मैंने ये मिरासी रखे हुए हैं, 150 देते हैं, ये जुगते शुगते करते रहते हैं। हाँ जी, मिरासी रखे हुए हैं और खुद ये अपना बैंक में मैनेजर हैं, देखे। ये कौन सी बात है, ये मुझे शौक है। मैं मुशर्रफ साहब का भी फॉलोवर हूँ। अच्छा। भी गांड है, निशा भी गांड है, तो फिर मिरासी बेचारे की करण दसो। आप चुप आओ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और पैसे की कमी, पैसा मेरे पास बहुत है। इतना आप हंसती इतना, फिर ऐसा करो चरण दे। अच्छा, वो मैं नहीं कर रहा, आप बेफिक्र हैं, मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आपको भी देख रहा हूँ और अल्लाह की रहमत को भी देख रहा हूँ। अच्छा फारिया, आप वो एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा फारगिया हो तो इधर आओ, आओ जरा, आओ जरा, आओ, भी पता चल जाए। वो आपके बाप हैं और आप कमीज वाली बनी हुई। ड्रामे का एक सीन था, ये मेरी सबसे अच्छी फेवरेट लाइन है। मेरे हस्बैंड की जो है छुप के शादी हुई हुई होती है, जो कि मेरे अब्बा कराते हैं, और सोसाइटी के सामने मेरा हस्बैंड किसी और से शादी उसकी करवा रहे हैं। तो मैं अपने अब्बू के पास आती हूँ। क्या बात है बेटा? अब्बा नहीं रोते हैं, बेटी रोएगी। अब्बा इज हैप्पी। हाँ अब्बा, अब्बा फ्राउन टैप। हाँ, की गल है कुड़िए? नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चुप हैं, आपको ने बोलने नहीं देना। चंगा पाए ना गुस्से जे ना है। अब्बा एक्सप्रेशन ले, सिर्फ चुप है। जेबों में हाथ डालो। नहीं, जेबों में हाथ डालो मेरे जबाने। चुप। अब्बा एक्सप्रेशन ले, ना एक्सप्रेशन देते ना कुछ बोलते हैं। यानी कि पत्थर दा एक्टर है, कोई एक्सप्रेशन नहीं। जी चलो अब्बा जान, आपने हैरान मुझे हैरात में दिए थे और हैरात में दी हुई चीजें वापस नहीं लेते। अरे वाह, एक बात मेरी दुकान खोल के सुन लो, मरता मर जाऊंगा लेकिन इस घटिया इंसान से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा मैं। इस मैं घर का मालिक भाई जान, अब्बा इमोशनल हो गया भाई। अभी अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी ना करिए। चल ठीक है चाचा, मैं तेरे मुंह ने तेरी धी ना शादी कर लूंगा। चल चल चल, आप बड़ी लकी है, जो भी मुझे फेंकता आपकी तरफ आता हूँ। तो क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस टीवी का आपका? टीवी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, लेकिन अभी ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा। आपको मजा नहीं आ रहा? अच्छा नहीं। बच्ची डर भी जाती है, तेनू अपने हुसन का अंदाजा नहीं कि तेरे चंगियाड़े कितों कितों तक अखा च पेंदे ने। अच्छा मैनू तो ये गल कहने, तेनू पूरा पाकिस्तान खालिद भट्ट कहता। हाँ मतलब होता ही है ना कि बहुत सोहना है। अच्छा आप जाओगे, मैं बात करूं मेहमानों से? जाओ, चुप करो, मेहमान बैठे हुए हैं। ओके, थोड़ा जहा पिया मैं पी ला। हंसी मजाक की वो तो है, आप सचमुच ग्रेट आर्टिस्ट हैं। अब जाओ जाओ, सब आपसे प्यार करते हैं। अच्छा गल सुनो, मुझे भी बात करने दो। अगर उधारे पैसे मंगन तो देना ना। एक्सक्यूज मी, टीपू क्या हो रहा है आजकल? एक फिल्म हो रही है जैकपॉट, शुएब खान की, उसके बाद कुछ सीरियल्स हो रहे हैं, एक दो सिटकॉम्स हो रहे हैं, एक आधा सोप हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लॉट ऑफ वर्क सर। तो मतलब इतना टाइम निकल आता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है यही काम है तो आप उसको मैनेज कर लेते हो। मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना। अब तो आर्टिस्टों की डेट्स का बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि सब ड्रामे भी कर रहे हैं और फिल्में भी कर रहे हैं। वो चक्कर यही ना कि आप अगर डिसिप्लिन से चलो और उनको बता दो कि डिसाइड कर लो ऐसे ऐसे, बस हमारे यहाँ मसला सिर्फ और सिर्फ ये है जितना मर्जी काम बढ़ जाए, बहुत सारे मुल्कों में इससे 7-8 गुना ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है, मैनेजमेंट की कमी, टाइम मैनेजमेंट वो यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। काम हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा हो भी सकता है, लेकिन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। वो एक टेक्निकल बात जो है ना, वो चैनल्स वाले बोल रहे हैं कि वो बहुत सारे पुराने जो लोग हैं उन्हीं को लेके समझते हैं कि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाएगी। डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चैनल्स को ख्याल करना चाहिए कि चैनल्स मेक स्टार्स,
स्टार्स डू नॉट मेक ए चैनल, चैनल्स के जो लोग बैठे उनमें इतनी नजर होनी चाहिए कि सामने जो बच्चे कोई बैठे उनमें से कोई लड़का पिक कर सके, लड़की पिक कर सके। अभी तो इतने नए लड़के हैं, इतने नाम भी नहीं याद रहते, इतने ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा जो अभी फिल्में की हैं, जेलस ना कोई हो। अच्छा चुप करके बैठो यार, जो कहा है वो कर रहा हूँ। इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ कितनी फिल्में, अब 8-10 तो कर चुके हो इंटरनेशनली, नेशनली मिला के कोई 14-15 तो की हैं। तो किसका काम लगा है कि ये अच्छा फिल्म का काम कर सकते हैं? मुझे मेरा जो अपना जॉनर है या मुझे जो है वो, अगर सबिया सुमार से लेके या पूजा भट्ट या इस तरह के लोगों से लेके, लेकिन जो रिसेंट टाइम्स में मैंने उसके साथ काम नहीं किया दोनों के साथ, नबील कुरैशी, नबील कुरैशी उसका काम बहुत अच्छा लगा है। कई मेरे दोस्त हैं जो लाइन में खड़े हैं, जैसे एहसन तालिश है, काशिफ निसार है, शुएब खान तो बना रहा है, इस तरह के लोग हैं, असफर अली है, एहसन रहीम है, मुझे लगा है एहतशामुद्दीन है, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर टीवी के पड़े हुए हैं जो जो मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, फिल्म अच्छी बना सकते हैं, बनाएंगे। तो फारिया आपको ऑफर हुई है फिल्म की तरफ से कभी? फिल्म के लिए नहीं, अभी तक फिल्म के लिए उस तरह से ऑफर नहीं हुई है, तो लेकिन ये है कि एक डेढ़ साल में होंगी इंशाल्लाह। अभी आप ना बड़ी हो ना छोटी, हाँ बस इस तरह चल रही है अभी हमारा, प्लीज लें। हेलो, नहीं भाई क्या हो गया आप लोगों को, क्या कैसे लोग हैं आप? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारा जूठा नहीं पीते, किसको दे रहे हो? इस तरह किसी के सामने मुझे डिग्रेड करोगे तो क्या ले लोगे, क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा, तुम चले जाओ यहाँ से। आप तो फूक शूक मार के साड़ी बारी, तेन पता नहीं की हुंदा यार। अच्छा तो अब क्या हो रहा है? अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बड़ी, एक्सक्यूज मी, ऐसे जाने दें पहले, जाओ। डरे ना कोई बात नहीं, वो डर नहीं रही, उसे बू आ रही है। क्यों, वो तो इतनी दूर बैठे हैं, क्यों आ रही है आपको? यार आपके घर में आपके ये जो लोग आए बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। अभी तो एक दो और ने भी आना है, ओए ये तो कुछ नहीं है। वैसे जाए दरवाजा बंद करके जाएगा। ओके दरवाजा बंद करके, ओके यार। हेलो, अरे लेमोजिन साथ ही लगी हुई है, सॉरी नहीं खुल रहा, आप खोल देना प्लीज। निकल बात। कार जावे अज सौरियां कोलो कोटी पवे। अच्छा हाँ, आप क्या कह रही थी फारिया? मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बड़ी सिलेक्टिव हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे मैंने मोस्टली लोगों को देखा है दे आर वर्किंग करेंटली इतने ज़्यादा चीज़ों को लेके काम कर रहे होते हैं। मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही ड्रामा प्रेफर करती हूँ, एक वक्त में एक ड्रामा, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अगर एक ड्रामा करूँ तो मैं लोगों को याद रहूँ कि उस ये एक ड्रामे में आई है, ना कि मैं हर चैनल पर आ रही हूँ और बस गुजर जाए, लोग चैनल स्विच करते। तो इसीलिए मैं बहुत कम काम करती हूँ और बहुत चूज़ी हूँ अपने काम को लेकर। तो अभी अभी इस वक्त कौन सा है सेट पे है कोई काम? अभी एक ड्रामा मेरा ऑनर है सकीना के नाम से, और दूसरा ड्रामा चल रहा है चंदन हार के नाम से। अच्छा जी, बार भी फिल्में की, अभी सुना है कोई गाना वाना किया आपने सना के साथ? हाँ जी। कैसा लगा? बड़ा मुश्किल सर, फिल्मी हीरोइन के साथ, और पक्की अच्छी है, वो हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी, और गाना भी जाहिर है वो, और हमने किया हुआ है उनके साथ, बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मैं डरा हुआ था, मुझे अभी तक उसके स्टेप याद है, ना 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 कर करके आप हम करते हैं आयो नजर यार, वो मुझे क्या कहते क्या थे क्या थे ये वो था ये इतना, तुमने भी कल को फिल्मों में लवली लवली वो इस तरह का था, तो
ये मुझे गाना याद नहीं होता क्योंकि पहली दफा आप सेट पे ही सुनते हैं, वही ना, तो जाहिर है वो इतना याद तो वो मुझे वो बड़ा मुश्किल लगा, मुझे लगा कि डा इसके बाद क्या एक्शन था इसके बाद, ये हां बिल्कुल इस तरह वो कोई इस तरह भी ले बाबा फिर बता, फिर आप इंप्रोवाइज कर सकते हो कि जैसे मैं जट सा आदमी हूं जो भी हूं, नहीं नहीं रिदम से पता लग गया आप जट हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे डांस बहुत मुश्किल लगता है, डांस बहुत मुश्किल लगता है। हां मुझे मेरी मर्जी से डांस करने दिया जाए कि मुझे कहा जाए आप इंप्रोवाइज कैसे, चलो हमने छोड़ा अपनी मर्जी से, नहीं वो डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक, छोड़ अपनी मर्जी से नहीं, जैसे हर पंजाबी मुंडे की तरह कंधे बड़े टकटक ये कर लिया, कर लिया उससे कर लिया, वो हो जाता है